सो गाइज वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन सेल NFT सर्विसेज। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कॉलेज गोइंग है और वर्किंग प्रोफेशनल है, नो प्रॉब्लम, आप आराम से NFT सर्विसेज सेल करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। यस, माइंड माय वर्ड गाइस, अगर आप एक स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग है, स्टिल यू कैन मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विद द हेल्प ऑफ NFT सर्विसेज। बट आपसे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं जो पॉइंट्स बताने वाला हूं वहां पे आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है। बट अगर आपने वो सारे के सारे स्टेप्स जैसे मैंने आपको बताए वो फॉलो करे, आप डेफिनेटली स्टार्ट कर देंगे अपनी सर्विसेज ऑफ NFT सर्विस प्रोवाइडर। सो गाइस, माय नेम इज वरुण जायसवाल, आई एम द फाउंडर ऑफ मार्केटिंग bounce.com। इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आई एम एन एफिलिएट मार्केटर टू। विदाउट एनी अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये NFT है क्या। सो NFT स्टैंड फॉर नॉन फंजिबल टोकन। सो लेट मी डिवाइड इट। सो अगर बिफोर आई जस्ट गेट इन टू द कंप्लीट प्रोसेस कि आप एक NFT सर्विसेज प्रोवाइड कैसे करेंगे जिससे आप लाखों रुपए कमाएंगे, तो सबसे पहले इन तीन वर्ड को समझ जाते हैं। NFT क्या होता है? नॉन फंजिबल टोकन, जिसको मैं नॉन फंजिबल और टोकन को डिवाइड करता हूँ। सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फंजिबल आइटम एंड अ नॉन फंजिबल आइटम? फंजिबल आइटम होता क्या है, जिसको हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, जो ज्यादा यूनिक ना हो। इसका एग्जांपल, मेरे पास एक 2000 रुपए का नोट है, उस 2000 रुपए के नोट को मैं कैसे रिप्लेस करूं? बहुत आराम से, मैं 500 के चार नोट लेके आ जाऊंगा। ये 2000 का नोट है, ये 500 के चार नोट है, इज इक्विवेलेंट वैल्यू, या मैं किसी को दोनों में से कुछ भी दे दूं, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू, तो उसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। बट नॉन फंजेबल आइटम्स क्या होते हैं, जिसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, वो यूनिक होते हैं, नॉन रिप्लेसेबल होते हैं, कैन नॉट स्प्लिट, वो होते हैं नॉन फंजेबल। जैसे ताजमहल इज नॉन फंजेबल, मेरे घर की रजिस्ट्री इज नॉन फंजेबल, कुतुब मीनार नॉन फंजेबल है, मोनालिसा की पेंटिंग ओरिजिनल नॉन फंजेबल है। तो ऐसे आइटम जो यूनिक होते हैं वो नॉन फंजेबल में आते हैं, जिसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। अब आती है टोकन। ये टोकन क्या है? टोकन एक डिजिटल करेंसी की तरह ले लो, बिकॉज आजकल बिटकॉइन का जमाना है, एथेरियम का जमाना है, तो डिजिटल वैल्यू को प्रोवाइड करने के लिए हम उसको टोकन कहते हैं। मोटावाड़ी से NFT, इट्स अ नॉन फंजेबल टोकन्स की वैल्यू में ये लोग ऑनलाइन इसको सेल करते हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा आइटम है, जैसे कोई ऐसी यूनिक वीडियो, कोई यूनिक इमेज, या कोई ऐसी क्लिप और कोई पेंटिंग जो कहीं जिसका वो बिल्कुल न्यू है, तो आप उसको NFT वाली वेबसाइट्स में सेल डाल सकते हैं और मेक मनी ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मगर हम उस पर नहीं जाने वाले, क्योंकि वो बहुत बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है और अभी हम उस स्टेज पे हैं, उस प्रोसेस पे नहीं आएंगे। हम क्या करेंगे, हम एक बनेंगे NFT प्रोवाइडर। अभी NFT प्रोवाइडर कौन होता है? NFT प्रोवाइडर वो होता है जो अपने NFT आर्ट्स को सेल करता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और जिसको NFT आर्ट्स लेना है फिर वो आगे नेक्स्ट लेवल पे उसको NFT की बहुत सारी वेबसाइट है उस पर डालेगा, वो उसका काम है। बट अभी हमारे वाले केस में हम करेंगे उनको ये सर्विस प्रोवाइड। इस सर्विस प्रोवाइड में आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, बस आपको लगाना है अपना दिमाग और यहां से आप बहुत ही अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं। गाइस, सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे आइए। आपको क्या करना है, आपको आना है फाइवर पे। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फॉर फ्रीलांसर, जो सर्विस प्रोवाइड करता है। फाइवर बेसिकली एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे जिसको जो सर्विसेज लेनी है वो यहां पे आके अपने फ्रीलांसर्स को मिलता है। यहां पे एक बड़ा अच्छा एक ऑप्शन आया, अगर आप आओगे ग्राफिक डिजाइनिंग पे, इन ग्राफिक डिजाइनिंग पे आप देखोगे NFT आर्ट। अब NFT आर्ट एक ऐसा ऑप्शन आया कि इतने सारे NFT लवर जो इन वेबसाइट्स में डालना चाहते हैं, वो NFT आर्ट खरीदना चाहते हैं। तो अब हम क्या बनेंगे, NFT सर्विस प्रोवाइडर। अब हम बनेंगे NFT सर्विस प्रोवाइडर और हम इस ऑप्शन पे आएंगे NFT आर्ट पे। जैसे ही मैंने NFT आर्ट पे क्लिक करा, यहां पे मैं देखूंगा इतने सारे लोग हैं जो NFT प्रोवाइडर हैं, जो इन इमेजेस को क्रिएट करेंगे, यूनिक इमेज को क्रिएट करेंगे और मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अगर जो फाइवर को नहीं जानता है, उसको ये नहीं पता fiverr.com है क्या है, fiverr.com में गिग कैसे क्रिएट करते हैं, fiverr.com में इतने सारे कंपटीशन आ रहे हैं, इतने सारे सबसे ऊपर हम कैसे नजर आए जिससे हमारी सर्विसेज सबसे पहले सेल हुए। सो गाइज डोंट वरी, ऊपर आई बटन का लिंक है,
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, मैंने फाइवर की अमेजिंग सीरीज बना रखी है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, कैसे आप फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, फाइवर पे गिग, इसको हम गिग कहते हैं, ऐसे बनाना, इसको गिग कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रैंक होगी, वो सीरीज को जरूर देखना, क्योंकि ये आपको एनएफटी वाले में बहुत हेल्प करेगी। जिसकी गिग सबसे ऊपर आती है उसको सबसे ज्यादा काम मिलता है। सो ऊपर आई बटन के लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक है, वो सीरीज जरूर फॉलो करना, मेरी फाइवर की सीरीज। अब यहां पर आप समझते हैं, देखो अब यहां पे लोग एक कार्टून बनाने के लिए, एक पिक्सल आर्ट बनाने के लिए लोग 8,000, 24,000 चार्ज कर रहे हैं। और अभी तो एनएफटी के पीछे इतने सारे बायर्स हैं, अगर मैं जैसे आई एम फ्रॉम इंडिया, तो अगर मैं अपने लोकल सेलर को भी देखूं, मेरे अपने जो नियर बाय लोकल सेलर, अब आपको दिखा रहा हूं लोकल सेलर, और ज्यादा कॉम्पिटिशन भी है अभी गाइज, याद रखना अभी ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, ये बिल्कुल सही टाइम है आने का। सो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा एक एक आर्ट कैसे बनाना है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। बट मैं सिर्फ एक चीज चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस तरीके से मैं नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन लाता रहूंगा। सो अगर आप देखना, ये बंदा 1600 रुपए चार्ज कर रहा है कुछ ऐसा कुछ डिजाइन करने के लिए, और इसने अभी तक 26 ऑर्डर क्रिएट कर चुका है। ये 4000 रुपए चार्ज कर रहा है, इसने मोर देन 70 ऑफर इसने कर चुका है। ये 2000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, मोर देन 70 ये कर चुके हैं। सो अगर आप देखोगे, और ये मैं सिर्फ नॉर्मल बता रहा हूं जिन्होंने व्यूज डाले हुए हैं, सो अगर आप देखोगे इस तरीके से लोगों ने लाख, 2 लाख, 3 लाख से ज्यादा काम कर रखा है, मोर देन दैट अभी कुछ ही हाल ही कुछ 3-4 महीनों में। तो अगर ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, यहां पे आना है आपको, एनएफटी आर्ट में अपने गिग को क्रिएट करना है, तो इस तरीके से आप इजीली 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 आराम से कमा सकते हो। और ट्रस्ट मी, ये लाइफ चेंजिंग होगा, मैं ऑलरेडी आ चुका हूं उस पे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही अच्छी इनकम होने वाली है। अब बात आती है ये ऐसे आर्ट हमें बनाने कैसे हैं। सो गाइस आपको क्या करना है, मैंने कुछ 3 से 4 वेबसाइट, एक नहीं दो नहीं 3 से 4 वेबसाइट आपके लिए निकाली है, जहां पे आप ये पूरा पिक्चर फोटो एडिट कर सकते हो। एनएफटी बेसिकली क्या है, फोटो का गेम है, वीडियोस का गेम है, और इमेजेस का गेम है। अगर आप वो आप क्रिएट करके डालोगे, देखना आपको कितना कितना बेनिफिट मिलेगा। एक जब भी आपको सेलर आएगा, जब आपको उसमें चेक करेगा एनएफटी आर्ट में, अगर आपने एक फोटो के अलग 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 वेरिएंट निकाल रखे, कोई ना कोई वो सेलेक्ट कर लेता है, उसको बस ओपन सी जैसी वेबसाइट में डालना होता है, बट उसको नहीं पता कि ऐसी वेबसाइट अवेलेबल है मार्केट में, जहां पे आप आराम से पिक्चर को डिफरेंट फॉर्म में क्रिएट करके एनएफटी बना के, एनएफटी आर्ट बना के सेल कर सकते हो। ये आपके और मेरे बीच में है, जो थोड़े दिमाग वाले लोग हैं, ठीक है। सो गाइस जोक्स अपार्ट, मैंने क्या करा, अगर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं गया हूं ऑनलाइन एनएफटी आर्ट मेकर में, गूगल में भी डालोगे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे उन्हीं 3 वेबसाइट्स के चक्कर में रहो, आप उससे भी अच्छा देखो, क्योंकि आपके पास और भी नॉलेज हो, आपके पास और भी आर्ट फॉर्म हो, आप कुछ और भी चेक कर सकते हो। तो ऑनलाइन एनएफटी आर्ट मेकर पे जाओगे, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी, उनको जरूर चेक करना। मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बता रहा हूं, एक वेबसाइट है जैसे फॉर एग्जांपल nftart3d.com, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप क्लिक कर लेना, इसमें हम 3D आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये पिक्चर्स कहां से लेके आए, हमें पिक्चर्स कहां से लेके आनी है, बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं जो पिक्चर प्रोवाइड करती हैं, जैसे pixel.com। अगर आपको ये नहीं पता कि फ्री इमेजेस, एनएफटी की फ्री इमेजेस कहाँ से मिलेगी, ऊपर आई बटन का लिंक होगा, मैं आपको फ्री इमेजेस का एक पूरी वीडियो बना रखी है, जहां पे मैंने 6-7 वेबसाइट बनाई है, कहीं से भी आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस ले सकते हो और यूज कर सकते हो, जिसमें से वन ऑफ द वेबसाइट इज pixel.com, रेस्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, मैं आपको और वेबसाइट यूट्यूब वीडियो दे दूंगा, वहां पे पूरा डिटेल दे रखी है। pixel.com में आया, हम एनएफटी से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, तो मैंने एनएफटी आर्ट फोटो लिखा, और आप देखोगे यहाँ पे हाई क्वालिटी फोटोज इतनी सारी आ चुकी है। अब क्योंकि अगर आप देखोगे, मैंने जो आपको पहले भी बताया था कि उन सब में यहाँ पे ये सारी पिक्चर्स का गेम है, ये सारा का सारा पिक्चर्स है, सारी की सारी पिक्चर्स की फॉर्मेशन में गेम हो रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी जो मुझे पिक्चर अच्छी लगती है, वो पिक्चर मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर, इस पिक्चर को मैंने डाउनलोड कर लिया इधर। इसको लेने के बाद मैंने क्या किया, इस 3D पे आया, 3D आर्ट NFT पे, और यहाँ पे मैंने क्या, मैंने इसको अपलोड किया, इधर क्लिक करा, मैंने इस पिक्चर को गया और इस पिक्चर को लिया और इस पिक्चर को ओपन कर दिया। सेम मैंने इसका बैकग्राउंड पे क्लिक करा और सेम पिक्चर का मैंने इसका बैकग्राउंड ओपन कर दिया, दैट्स ऑल। ये दोनों चीजें मैंने करी। अब ये मेरे से पूछता है आपको ये किस फॉर्म में चाहिए, आपको 3D फॉर्म में, क्योंकि लोग अगर आप ओपन सी में देखोगे, उसकी जैसी वेबसाइट में देखोगे, लोगों को एक ही पिक्चर ना बड़ी डिफरेंट फॉर्मेशन में चाहिए।
आप समझो ये डिजिटल वर्ल्ड है, ये टोकन वर्ल्ड है, ये बिटकॉइन का दुनिया है, लोगों को इन्हीं चीजों में मजा आता है। इनमें से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके यूजर को जो एनएफटी की सर्विस लेने आया है फाइवर पे, जो इस फाइवर पे सर्विस लेने आया है वो डिफरेंट लुक के लिए लेने आया हुआ है, वो डिफरेंट एक्सप्रेशंस के लिए लेने आया हुआ है। उसको एक कॉमन फोटो नहीं पसंद है, उसको पता है कि कुछ अगर डिफरेंट होगा, यूनिक होगा, वही सेल होगा। तो उसी चीज को आपको ऐसे फॉर्म में करना है। तो उसमें से आप इनमें से जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट करने के बाद यू गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड आपकी 3D इफेक्ट रेडी हो जाएगी। ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूं जो टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर आप देखोगे यहां पे मैंने एक 3D इफेक्ट अपनी सेम इमेज का क्रिएट कर लिया। इसको मैं डाउनलोड करूंगा और इसको मैं अपनी सर्विसेज के लिए सेल कर सकता हूं बहुत इजीली। जो मैं गिग बनाऊंगा मुझे यूजर बताएगा, इसके हेल्प से मैं इसको डिफरेंट इमेज दे सकता हूं, इज वन ऑफ द एग्जांपल। सेकंड मैंने क्या किया, मैंने एक और वेबसाइट पे आया हूं, 9neunopic.com एडिटर। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैं गया, अब मैंने अपलोड करी अपनी फोटो। जैसी मैंने अपलोड करी, लेट्स फॉर एग्जांपल आई अपलोडेड दिस फोटो और यहां पे क्लिक करा एंड आप देखोगे इसको अपलोड होते ही मेरा बैकग्राउंड में डिफरेंट फॉर्मेशन में आ जाएगी। तो यहां पे आई, मैंने इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, जैसे मुझे मास्क लगाना है, कलर लगाना है, टिल्ट लगानी है, 3D क्यूब लगाना है, फोटो बूथ लगाना है। आपको इन्हीं सॉफ्टवेयर से क्रिएट करके उसको कोई भी इमेजेस दे दिए और वो बहुत खुशी खुशी उसको ले लेगा, बहुत आराम से ले लेगा। तो यहाँ पे एक येली वेबसाइट होगी, आप यहाँ पे आके प्लीज इट्स योर कॉल, अब आपको चेक करना पड़ेगा बॉर्डर इफेक्ट्स, बहुत सारी चीजें आप इन पे जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद आती है एक और वेबसाइट जिसका नाम है ट्यूसिप, TUXPI.com। यहाँ पे भी मैंने इसी फोटो में बहुत सारे एड इफेक्ट करे थे, आप देखना कितने सारे इफेक्ट्स, आप कोई भी इफेक्ट इसमें ले सकते हो। सेम ये सर्विसेज आप freelancer.com में सेल कर सकते हो, फाइवर में सेल कर सकते हो। बट अगर आपको फाइवर पे नए हो, आपको नहीं पता फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाना है, गिग कैसे क्रिएट करनी है, रैंक कैसे लगाना है, पैसे कैसे आएंगे, उसकी पूरी सीरीज मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरूर देख लेना। ऊपर आई बटन का लिंक मिलेगा सीरीज का, पहले उस पूरी सीरीज को देखना, देन यू कैन इजीली स्टार्ट मेकिंग मनी। सो गाइज दिस इज वेरी न्यू, वेरी यूनिक, प्लीज गो स्टार्ट मेकिंग मनी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर।